नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 17.3 विषय गणित का अध्ययन करेंगे। 17.1 और 17.2 पिछले वीडियो में हो चुकी है। अब जो 17.2 पढ़नी पड़ी उस प्रश्नावली का और इसका सूत्र एक ही है। कौन सा? एक्स बार बराबर समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लिख ले सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला हमारा था। 17.3 प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में वर्ग दिए गए होंगे, तो आपको मैं एक प्रश्न बताता हूं, उससे पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी। 17.3 निकालने, 17.3 किताब खोल ले और इसका पहला प्रश्न है। जैसे लिखो, निम्न समांतर बंधन का, निम्न बारंबारता बंधन का, निम्न बारंबारता बंधन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। पिछले वीडियो में पढ़ने दो, 17.2 में पढ़ा, उसमें सारणी थी, उसमें अक्ष के मान सीधे दिए गए हुए थे, एफ के मान दिए हुए थे, उनको गुणा किया, एफ एक्स ज्ञात किया, जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ का भाग दिया। तो क्वेश्चन नंबर एक ले लें, चाहे उदाहरण नंबर एक ले लें, कोई सा भी ले लें। जैसे प्रश्न नंबर एक है वर्ग, और दूसरे कॉलम में बारंबारता है। पूरे पेज में आप सारणी बनाए, वर्ग और बारंबारता, वर्ग और बारंबारता, और तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। वर्ग दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50, 40 से 50 तक। बारंबारताएं 9, 12, 15, 10, 14, 9, 12, 15, 10 और 14। लड़को इसी के नीचे लिखेंगे, पढ़िए नीचे के अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अभी नहीं लिखे सूत्र, ये सूत्र लिखना है। तो आपके पास इधर कॉलम एक तो एफ का, ये एफ, ये तो वर्ग है, ये हमारी बारंबारताएं हैं एफ, यहां एफ लिख लें। और अब अपन इधर एक अक्ष का कॉलम और लेंगे मध्यमान का, और तीसरा कॉलम आएगा आपका एफ एक्स का, आएगा भाई एफ एक्स का। तो कॉलम बढ़ाएंगे ना, तो यहां एक्स और यहां एफ एक्स, एफ और एक्स को गुणा करके, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स सही है, सिग्मा एफ तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का जोड़। इन्हें एन द्वारा भी लिखते हैं, इनको कैपिटल एन द्वारा भी लिखते, तो इनको जोड़ने के बाद में। अब एक्स क्या है? एक्स मध्यमान है, या आप लिख ले चाहिए इसे मध्यमान, मध्यमान एक्स। किसका मध्यमान? देखो ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है, दोनों को जोड़कर दो का भाग देंगे तो हमारे एक्स का मान आएगा। तो जीरो और दस को जोड़ा तो कितने आए? दस है, दस में दो का भाग दिया तो कितना आया? पांच, यानी इनके बीच में। वैसे भी कर सकते हैं, दस और पंद्रह, दस और बीस के बीच में क्या आएगा? पंद्रह है,
25 और 30 के बीच में क्या आएगा, 20 और 30 के बीच में। दूसरा तरीका क्या है, इनको जोड़ो, जोड़ करके किसका भाग दे दो, दो का भाग दे दो। तो 30 और 40 70, 70 में दो का भाग दिया तो कितना है 35। 40 और 50 90, 90 में दो का भाग दिया तो कितना है, ये आपको मध्यमान निकालना है। ये कौन सी सारणी का निकालना है, ये हमारे वर्गीकृत सारणी का निकालना है। वर्गीकृत सारणी किसे कहेंगे, ऐसी सारणी जिसमें वर्ग दिए गए हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें ये वर्ग नहीं दिया हुआ था, ऐसे सीधा ही प्रश्न था, एक्स था एफ था और दोनों को ऊपर गुणा करके और लिख रहे थे, बस साधारण काम ही था। तो अब क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स को जोड़ दे, 9 पंजे 45, 12 और 15 को जोड़े गुणा गुणा करें, 9 पंजे 45, 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 30 की बिंदुआ संख्या 3, 15 एकम 15, 3 18, 25 को 15 से गुणा करो, 25 पंजे 125 का 5 आशिर की 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया भाई 37, 35 को 10 से गुणा किया तो 350, 45 को 14 से करो, 14 पंजे 70, 70 की बिंदुआ आशिर की 7, 14 एकम 14, 14 28, 14 तीन 42, 44 56, 56 और 7 63। यहां सिग्मा एफ एक्स आएगा, यानी हमें इस प्रश्नावली में सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सूत्र लगने वाला है। सूत्र ये लगने वाला है एफ एक्स बटा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अपन आराम से पहले सिग्मा एफ एक्स की बात करें, फिर सिग्मा एफ। तो एफ वर्ण को जोड़ लें, एफ वर्ण को जोड़ लें, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 20 की बिंदुआ संख्या 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6। तो सिग्मा एफ का मान 60 आ गया, सिग्मा एफ का मान कितना आ गया भाई 60, और सिग्मा एफ एक्स का मान अपन लिख रहे हैं यहां, जोड़ो 0 0 5 5 10, 10 की बिंदु हासिल की एक दाई वाला तो देगा 4 1 5 5 और 8 13 13 और 7 20, 20 से 5 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल की 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9 और 9 6 15, 1580, 1500 जोड़ देख ले ना भाई, जोड़ में गलती हो सकती है, आराम से जोड़ देख ले, 5 की शून्य हासिल की 1, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 से 5 25, 25 से 3 28, 28 का 8 हासिल की 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 से 15। तो बस अब नीचे x बार बराबर इतना सा ही काम है, 1580 में किसका भाग देना है भाई, सिग्मा f 60 का, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई तो x बार बराबर कितना भाई 158 में छक्का भाग दे दें। छक्का भाग कैसे लगेगा, वैसे ही लगेगा जैसा देते हैं, 6 * 6 6 * 12, 6 * 12 12 का 6 * 12 कितने बच गए 3, 3 बच गए 6 * 12 15 में से 12 गए 3, 38 हो गए, 6 6 36, 6 6 36 बच गए कितने 2, ऐसे मन में भाग दे दें, बच गए 2 छक्कियां 18, फिर 2 बच गए छक्कियां 18, तो आपका माध्य है वो x बार बराबर 26.33, 26.33 उत्तर वाला वो तो देख सकते हैं। लिख लें ये 17.3 पूरी हुई, आप देखेंगे आराम से आपको आ जाएगा। लिख लिया होगा, अरे लिख लिया, लिख लिया होगा। ऐसे प्रश्नावली 17.3 है ना, वो पूरी हो जाएगी, ध्यान देंगे दोबारा, आपके वर्ग दिए गए होंगे, वर्गों का मध्यमान लिखना होगा, एक्स का मान सारणी में आप पहले एक्स भी बना सकते हैं और बाद में एफ लिख सकते हैं और फिर आप हल कर सकते हैं।
कर लेंगे भाई, सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब चलते हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना, देखते हैं भाई। 17.4 बताओ, समझ में आई है? एक और करें, चलो एक और कर लेते हैं। जैसे इस प्रश्नावली का कोई सा प्रश्न भी और कर लेते हैं या उदाहरण कर लेते हैं, है भाई। जैसे उदाहरण दिया है या कोई सा प्रश्न ही कर ले, कैलकुलेशन है। जैसे छठा प्रश्न है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी अनुसार है, वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहले तो है वेतन प्रतिमाह वेतन, क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं। वेतन प्रतिमाह और रुपए में एक कॉलम तो ये बना रखा है और इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ऐसे सारणी परीक्षा में आरडीआई ऐसे फिर इसको खड़ी कर लेंगे अपन। हाँ, 1000 को 1200, 1000 से 1200 रुपए से लेनी, 1200 से 1400 से लेनी, 1200 - 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000, 1800 to 2000 ये सैलरी है। अब कर्मचारियों की संख्या, इसका मतलब है बारंबारता, कर्मचारियों की संख्या, ये एफ है बारंबारता, ये वर्ग है भाई। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, वर्ग। अब 1000 से 1200 रुपए 10 कर्मचारियों को मिलते हैं, 1200 से 1400 20 कर्मचारियों को, 1400 से 1600 भी 20 कर्मचारियों को, और 1600 से 1800 15 कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, और 1800 से 2000 किसको मिलती है भाई? ₹1800 से 2000 5 आदमी को मिलती है, ऐसा है। तो देखो हल, हल हल में पहले पर सारणी ना, इसको खड़ी कर लेंगे। इसमें कितने कॉलम बनने वाले हैं? देखो, एक तो वर्ग का, ये जो वेतन है वो वेतन क्या है, वर्ग है, और उसके बाद में आप यहां मध्यमान का अक्ष का लिखें तो सही रहता है, मध्यमान अक्ष, और बारंबारताएं एफ, बारंबारता एफ, एफ क्या है, कर्मचारियों की संख्या, और उसके बाद में लास्ट वाला कॉलम क्या हमारा, एफ अक्ष। तो यहां पर निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, या वैसे सामान्य जनरली क्या, 1000 और 1200 के बीच में कितना है, 1100, वैसे दोनों को जोड़े तो 2200, 2200 में 2 का भाग देंगे तो 2, 1200 और 1400 के बीच में कितना भाई, 1300, या 1400 और 1200 को जोड़ो 2600, 2600 में 2 का भाग दो 1300, यहाँ कितना आएगा भाई, 1500। इनमें देखो, इनमें जितना अंतराल है वही गैपिंग आएगा, इनमें भी 1500 यहाँ आएगा, 1700 यहाँ आएगा, 1900, यानी 1100 1300 2200 का अंतर है, इनमें भी 2200 का ही वर्ग अंतराल है। फिर देखिए अपन एफ और एक्स को गुणा करते हैं, तो 1100 को 10 से गुणा किया 11000, 13 × 26000, 15 × 30, 30 के कितने बिंदु लगेंगे, 3, तो 30000, और 15 को और 17 को गुणा करो तो 2 बिंदु तो लग गई ऑलरेडी है, और फिर 15 को 17 से गुणा कर लो, आता है क्या 15 का पढ़ा, ऐसे देखो 15 × 30 की 45 64 90 97 107 105, नहीं आता तो ऐसे खोल ले, 107 105 10
और 15 और 10 कितना हो गया भाई 25, 25,550 और 19 को 5 के अच्छे गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, पाड़ा नहीं आता तो 9 5 45, 45 का 5 आशिर की 4, 5 एकम 5 और 4 9, 19 95 है ना। सिग्मा एक्स बराबर यहाँ आएगा एक्स और ये सिग्मा एफ रहेगा, जोड़ दें इनको 10 20 30 30 और 10 50 50 और 10 60 कितना हो गया भाई 70, 5 5 10 की बिंदु असली की 1 1 1 2 2 4 2 6 1 7 70, इनको भी जोड़ दीजिए, सबके 2 बिंदु लगे हुए हैं, 2 बिंदु लगा दीजिए 1 2, अब तीसरा बिंदु जुड़ेगा तीसरा अंक तो क्या आएगा 5 5 10 10 की बिंदु हासिल की 1, अब चौथा अंक जुड़ेगा 1 1 2 2 6 8 8 5 13 13 और 9 22 22 का 2 हासिल की 2, फिर अब पांचवा अक्षर जुड़ेगा 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 2 10 या तो 4 ही होंगे, तो ये आ गया 1,02,000। बस नीचे प्रश्न x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना भाई 1,02,000 बटे कितना भाई 70, एक बिंदु से एक बिंदु काट दें x बार बराबर, अब भाग दे दे 7 का भाग वैसे ही दे दे मौखिक, 7 एकम 7 बच गए कितने 3 हो गए 32, 7 4 28 बच गए कितने 4 है 4 बच गए तो 0 3 40 है 7 5 35 7 6 42 तो ज्यादा हो गया क्या 7 5 35 बच गए कितने भाई 5, 5 बच गए तो 50, 7 7 49 फिर पॉइंट 49 को 1 बच गया, फिर 7 एकम 7 बच गए कितने 3 7 6 28 1457.14 रुपये, ये रुपया इनको तनख्वाह के रूप में माध्य के रूप में मिलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा माध्य हमेशा ध्यान देगा निम्नतम सीमा ये 1,000 और ये उच्चतम सीमा लास्ट की कितनी हो गई भाई 2,000 इनके बीच में आएगा, अगर 1,000 से कम आ रहा है गलत है, 2,000 से ज्यादा आ रहा है तो प्रश्न हमारा गलत है, लिख ले लिख लिया होगा। ये आपको एक सूत्र से 2 प्रश्नावलियां बता दी हैं, अब 17.4 के लिए 17.3 कर लेंगे कर देना और 17.4 कल एक साथ ही आपको दोनों सूत्र याद करके आना, कौन सा सूत्र याद करेंगे बता देता हूं, अगर आपके प्रश्न आए परीक्षा में कि माध्य याद कीजिए तो आप कोई सा सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आधार के कल्पित थे, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य याद कीजिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य याद कीजिए, तो इसकी 2 विधियां, एक का नाम है विचलन विधि और एक का नाम है पद विचलन विधि, एक का कल्पित माध्य, तो विचलन विधि विधि से माध्य और दूसरा है पद विचलन विधि से माध्य, पद विचलन विधि से माध्य लिख लें आप, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ याद कर लें,
वही सूत्र है देखो इधर, ये कल्पित माध्य ए है, अपन कल्पना करके माध्य मानेंगे कि माना ये माध्य हो सकता है इसका, और एफ डी, डी विचलन है, डी क्या है विचलन है, याद करना बताऊंगा डी कैसे करते हैं। ये सूत्र याद करें आप, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और दूसरा पद विचलन की दिशे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच इंटू एच, इनको चाहे कॉन्स्टेंट में ले लें सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। तो लड़को अगर नाम आ जाए कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, तो लड़को अब जो विधियां मैं बताने जा रहा हूं इन विधियों से यहां पे हल करेंगे भाई, तो आप छोटा सा काम आज का कर लेंगे 17.3 का, इसके बाद में अपन कल प्रश्नावली 17.4 कल्पित माध्य विधि द्वारा, तो उसमें बाद में आप ये सूत्र और ये सूत्र कोई सा भी लगा सकते हैं। जब हमारे वर्ग अंतराल बहुत बड़े हों तब ये विधि काम में आती है, मध्यम साइज के हों तब ये विधि काम में आती है, और छोटे के हों तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा है। तो हमारे आपको याद दिला दूं ये दो सूत्र तो है ही, पीछे पढ़ने जो सूत्र पढ़े उन सूत्रों में पहला सूत्र था कि माध्य बराबर, हिंदी में ही था, माध्य बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, और दूसरा था हमारा सूत्र की एक्स बार बराबर जब सारणी वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो, तब हमारे सूत्र लगाया था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जब प्रश्नावली स्टार्ट करवाई थी तब मैंने कहा था कि माध्य ज्ञात करने की हमारे दसवीं में चार विधियां हैं, जो 17.1 तो इस सूत्र पर आधारित है, 17.2 और 17.3 इस सूत्र पर आधारित है दोनों। अब 17.2 क्या था, सारणी वर्गों में बटी हुई नहीं थी, डायरेक्ट अक्ष दिए हुए थे, और इसमें क्या है तो वर्गों में बटी हुई है सारणी, तो उसका मध्यमान ज्ञात करके ये सूत्र लगाते हैं। अब ये विधियां सीखी और माध्य कंप्लीट, और माध्य हमेशा परीक्षा में आता है, एक तरफ माध्य और एक तरफ माध्य का और भौतिक, 6 नंबर का प्रश्न आता है, कल बताएंगे आपको तो कौन सा प्रश्न अगले साल आपकी परीक्षा में आएगा। धन्यवाद।